सबसे पहले तो मैसी सर को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने इतना शानदार प्रोग्राम करा, दुनिया को बदलने के लिए, समाज को बदलने के लिए, परिवार को बदलने के लिए, जिस सोच की, जिस ऊर्जा की, जिस शक्ति की, जिस दिमाग की जरूरत होती है और जिस काम की जरूरत होती है, ऐसा ही काम लेकर चल रहे हैं हमारे मैसी सर। ये जो भी काम करते हैं या जो भी इनकी सोच है वो समाज को बदलने की है, समाज को एक सुंदर रूप देने की है, वो प्रकृति के नियमों को पालन करने की है। हमारा ये शरीर प्रकृति का बना हुआ है और हम इसको अगर फॉलो करते हैं तो प्रकृति यही समझाती है कि प्रकृति सब कुछ देने पे लगी हुई है। वो पानी देती है तो हमारे जीवन के लिए, वो हवा देती है तो हमारे जीवन के लिए, वो आकाश इतना बड़ा फैलाया हुआ है तो वो भी सब हमारे लिए काम के लिए है। वो कभी निराश नहीं होती, कभी निरुत्साहित नहीं होती। और मुझे लगता है कि एक संवाहक के रूप में, एक ट्रेनर के रूप में, एक ड्राइवर के रूप में, एक पायलट के रूप में मैसी सर भी उसी पैगाम को, जो प्रकृति का पैगाम है, उसी पैगाम को आगे फैला रहे हैं। और मैं उसका ये मूर्त रूप भी देख रहा हूँ कि यहाँ पर सैकड़ों बच्चियाँ अलग अलग टेक्निकल जानकारी लेकर, समझ लेकर यहाँ से जा रही हैं और सबके चेहरों पर जो मुस्कान है, जो आत्मविश्वास है, जो उनकी शक्ति नज़र आ रही है, जो ऊर्जा नज़र आ रही है, मुझे लगता है कि ये समाज जरूर बदलेगा, जरूर सुंदर बनेगा। मैसी सर का और उनके पूरे स्टाफ का और यहाँ पर आए सभी मौजूद मेहमान का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। देश में, संसार में व्यक्तिगत जीवन तो हर कोई जी लेता है, लेकिन डॉक्टर आर के मैसी व्यक्तिगत जीवन को बड़े सुंदर तरीके से सामाजिक जीवन में परिवर्तन करके समाज की, देश की एक ऐसी सेवा कर रहे हैं जो अपने आप में एक अनुकरणीय मिसाल है। प्यारे प्यारे बच्चों को सक्षम प्रोजेक्ट के माध्यम से ये इतनी ट्रेनिंग दे करके, कला कौशल दे करके सूर्य की किरणों की भांति इन्हें समाज में प्रसारित कर रहे हैं, ताकि ये आगे जा करके न केवल अपना भविष्य उज्ज्वल करें बल्कि भारत के समाज को और सुंदर बनाने का प्रयास करें। मैं इनके सुखद भविष्य की कामना करता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं डॉक्टर आर के मैसी अनंत काल तक इस सामाजिक जीवन को सदुपयोग करते हुए देश की सेवा करने में अपना तन मन समर्पित कर सकें। सबसे पहले मैं आए हुए अपने तमाम अतिथि गणों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। मैं डॉक्टर आर के मैसी, हमारी संस्था ह्यूमन केयर इंटरनेशनल जो पूरे भारत में पिछले 38 सालों से सेवा कर रही है, हमारा उद्देश्य है कि हमारे देश में कोई भूखा ना हो, हमारे देश में कोई नंगा ना हो, हमारे देश में कोई अशिक्षित न हो और हमारे देश में कोई इसलिए न मरे कि उसके पास दवाई के लिए पैसे नहीं थे। ये संस्था लगातार इस क्षेत्र में काम कर रही है और आज का जो प्रोग्राम था, हमारे एक सक्षम प्रोजेक्ट है जो हम एक कंपनी डपियल के साथ मिलकर सेवा कर रहे हैं। आज हमारे सीईओ आने वाले थे, एसएफओ आने वाले थे, लेकिन अचानक एक अर्जेंट मीटिंग में उनको जाना पड़ा, वो हमारे बीच में नहीं है। लेकिन हमारा उद्देश्य है कि हमारी बेटी सक्षम हो। अगर बेटी सक्षम होगी तो देश सक्षम होगा। इसलिए एक साल के अंदर हमने करीब 1600 बेटियों को उनके पैरों पर खड़ा करने की कोशिश की है। और सबसे बड़ी बात है, हमारी बेटी फुल फिट पर खड़ा होकर बोल रही है। जो बेटियां शर्माती थी, हमारे यहाँ पर बहुत सी महिलाएं घूंघट लगा कर आईं ब्यूटी पार्लर सीखने के लिए, लेकिन उन्होंने यह आकर सीखा कि घूंघट से बाहर निकलना है और आज वो काम कर रही हैं। हमारे बीच में ऐसी महिलाएं हैं जो आ भी नहीं जानती थी, आज हमारे टीचर्स के द्वारा वो बुक्स पढ़ रही हैं। हमारी संस्था यहाँ पर 6 तरह की ट्रेनिंग देती है। सबसे पहले कंप्यूटर बहुत ज़रूरी है हमारी लाइफ के लिए, आर्ट एंड क्राफ्ट एंड ब्रश डिजाइनिंग, ब्यूटी पार्लर, इंग्लिश स्पोकन और तरह तरह की ट्रेनिंग जो बेटियों के लिए ज़रूरी हैं हम उनको प्रोवाइड करते हैं। इन बच्चियों ने अपने ट्रेनिंग में पूरा समय पूरा दिया है और उन्होंने अच्छी तरह से सीखा है। आज एक और खुशी की बात थी, जो बेटियां हमारी ब्यूटी पार्लर की थीं, उन्होंने एक अच्छी तरह से अपने आप को तैयार किया। उन्होंने जो काम सीखा, उन्होंने तमाम के सामने दिखाया कि उन्होंने क्या काम सीखा है। लाइक, शेयर एंड कमेंट। टू सब्सक्राइब दिस चैनल प्लीज प्रेस द बेल आइकन।